हेलो एवरीवन वेलकम टू द क्लास सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मोटिवेशन के कुछ क्वेश्चंस पे होगा जिसमें मैं आपके साथ में टेन क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी एंड दिस सेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लेबर वेलफेयर स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट टू सो जो भी मैनेजमेंट से हैं या फिर लेबर वेलफेयर से हैं तो उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम टेन एम को आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में ठीक है क्विकली स्टार्ट करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द हिरारकी नीड्स ऑफ द मोटिवेशन थ्योरी सो हिरारकी किसने दिया है इब्राहिम मैस्लो डेविड मैकलेन, विक्टर रूम फ्रेडरिक फ्रेडरिक हजबर्ग सो आपको फटाफट बताना है तो ऑब्वियसली ये तो आप सभी को पता होगा इब्राहिम मैस्लो इज द राइट आंसर मैसलो ने ही यहाँ पर नीड ऑफ को डिस्कस किया था। हिरारकी थ्यूरी ऑफ मोटिवेशन तो नीड हिरार की थ्योरी में कितने लेवल्स होते हैं सो so आप सभी को ये चीज भी पता होगी देर आर फाइव लेवल्स राइट और वो कौन कौन से लेवल्स हैं अभी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज इज ऑफ द द फॉलोइंग नॉट ह्यूमन बीइंग नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तो इसमें से कौन सा रिलेटेड uh, नहीं होगा फिजियोलॉजिकल सेफ्टी सोशल एंड एक्सपेक्टेंसी तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ एक्सपेक्टेंसी नीड यहाँ पर अलाउ नहीं करती है ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं नीड हिरार की में तो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड होता है सोशल नीड होता है एस्टीम होता है और आपका हो जाएगा यहाँ पर सोशल नीड्स ठीक है सोशल फिजियोलॉजिकल आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे ज़्यादा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि हाईएस्ट नीड में आता है स्टार्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है फिजियोलॉजिकल से स्टार्ट होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये जो आपको स्लाइड uh, विजिबल होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन टी नेट के थ्रू अन अकेडमी यहाँ पर स्कॉलरशिप uh, टेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड यहाँ पर जो डेट है वो है फिफ्टींथ ऑफ जन एंड टाइमिंग भी है ट्वेल्व पी एम रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी सो so, आप लोग देख सकते हैं वन से लेकर फाइव हंड्रेड तक की रैंकिंग में कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप है तो so, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसको एंड जो भी लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको एंड डिस्क्रिप्शन uh, से आप देख लेना जरूर से ठीक है सॉरी सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट नीड हेरारकी थ्योरी में कौन सा है तो सबको पता है सेल्फ नीड हाईएस्ट हो गया नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द नीड लोएस्ट लेवल ऑफ द नीड इज फिजियोलॉजिकल राइट अब यहां पर क्वेश्चन ने पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंसिंग में बताओ मैसलो नीड हिरारकी ऑफ मोटिवेशन को मतलब स्टेप बाय स्टेप ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप बताओ कौन सा कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन करेक्ट है फिजियोलॉजिकल नीड देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड देन सोशल नीड देन सेल्फ एस्टीम एंड लास्ट में आ जाता है आपका सेल्फ एक्चुलाइजेशन एंड दिस इज द हाइएस्ट नीड ऑफ मैसेलो नीड हिराकी ऑफ मोटिवेशन राइट

नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हुजिवन ई आर जी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तो किसने दिया है अभी हमने वही बात की है एलडफर ने दिया है ई आर जी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड द फुल नेम इज़ क्लैटोन एलडफर ठीक है सो हाउ मैनी लेवल्स ऑफ द ई आर जी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कितने लेवल्स होते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर तीन होते हैं जैसे कि यहाँ पर ई e है ई e मतलब हो गया एग्जिस्टेंस राइट एंड आर मतलब होता है रिलेटेडनेस रिलेटेडनेस एंड जी इज स्टैंड फॉर ग्रोथ तो अब यहां पर अगर हम फिजियोलॉजिकल के अकॉर्डिंगली तो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड सोशल नीड्स ठीक है ये आपका आ जाएगा रिलेटेडनेस में और हाफ सोशल नीड सेल्फ सेल्फ एस्टीम और या आ जाता है आपका ग्रोथ में आएगा तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नहीं एग्जिस्टेंस में अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ में आपका बाकी के जो भी क्वेश्चन सब्सक्राइब टू द चैनल